नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज रिश्तों पर बात करूंगा। रिश्ते एक तो होते हैं खून के रिश्ते, जो आपके अपने परिवार के, अपने आत्मीयजनों के होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के तो नहीं होते, लेकिन कई बार खून से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। वो बाहर के रिश्ते होते हैं, वो दोस्ती का हो सकता है और कोई भी रिश्ता हो सकता है, और वो रिश्ता इतना मजबूत होता है, अपनत्व से इतना भरा होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके दिल की धड़कन है, कोई आपके सांसों की सिहरन है। क्योंकि इस रिश्ते में एक तरह का केयर होता है, एक तरह का अधिकार होता है, एक तरह के सवाल जवाब होते हैं, अपनत्व वाला प्यार होता है। पर कभी ऐसा मुकाम आ जाए कि जो रिश्ता आपके लिए बहुत संजीदा था, आपको बहुत चाहता था, वो रिश्ता आपसे किनारा करने लग जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? यही सवाल आज मुझसे एक व्यूअर ने पूछा था। बड़ा संवेदनशील सवाल है, क्या जवाब दें? उस व्यक्ति के लिए बहुत तकलीफ दे है कि जिस रिश्ते के साथ इतनी आत्मीयता से जुड़ाव रहा है, आज अगर वो ये देख रहा है कि जो रिश्ता मिलने के बहाने खोजा करता था, वो रिश्ता आज न मिलने के बहाने बना रहा है, उससे सवाल करें, उससे शिकायत करें। अगर आप कर भी लेंगे तो क्या होगा? अगर सामने वाला बहाने ही बना रहा है तो आपका सवाल, आपकी शिकायत का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले की भी कोई मजबूरी रही हो। तो सबसे पहले तो मजबूरी जाननी जरूरी है। और अगर कोई संवाद में आपको पता चल गया और आपने भी उस मजबूरी में उनका साथ निभाने की बात कह दी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये लगे कि वो रिश्ता कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है, तब आप क्या करें? जी हाँ, यही सवाल मुझसे पूछा गया था और वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सोचिए, दोस्ती का रिश्ता हो, आत्मीयता का रिश्ता हो, बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता हो, और अब वो रिश्ता आपसे अलग होना चाह रहा हो लेकिन आपसे कह नहीं पा रहा हो, क्या करें? अगर मेरा जवाब सुने तो मेरा जवाब तो यही होगा कि दोस्ती निभाती सी है। दोस्ती में खुदगर्जी नहीं होती, दोस्ती में दोस्त की भावना होती है। ये निर्णय आपके लिए कठिन होगा, लेकिन अगर आपने दोस्ती की है, अगर आपने किसी को चाहा है और आपका वो रिश्ता सुख दुख का साथ ही रहा है, हो सकता है अतीत में आपके दोस्त ने आपके सुख दुख में साथ निभाया हो। आज अगर किसी भी वजह से अगर उसकी मजबूरी है या फिर उसकी नीयत बदल गई, आप ये भी मान लीजिए, किसी भी वजह से अगर वो रिश्ता आपसे अलग होना चाह रहा है, उसके हाव भाव अंदाज आपको ऐसा लग रहे हैं वो कह नहीं पा रहा है, आप उसका रास्ता आसान कर दीजिए। अगर आप वाकई में उसे चाहते हैं तो आप उसकी महफिल से चुपचाप निकल जाइए। मैं फिर कहता हूं, निर्णय कड़ा है लेकिन दोस्ती के लिए
अगर आपको ये निर्णय भी करना पड़े ताकि आपके दोस्त के लिए सहजता हो जाए, वो उस आत्मीय रिश्ते की वजह से आपसे अलग होने की बात खुलकर के नहीं कह पा रहा हो, और अगर आप उसकी महफिल से चुपचाप निकल जाएं तो फिर उसके लिए आप सहजता कर देंगे, उसका रास्ता आसान कर देंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर दीजिए। मैंने मेरे उस मित्र को जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ जुड़ा था, उसके सवाल का मैंने यही जवाब दिया। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मेरा यह जवाब सही था या गलत? अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? हाँ, उसकी जगह अगर मैं होता तो यकीनन मैं यही करता। दोस्ती निभानी है, दोस्ती में सवाल शिकायत नहीं की जानी चाहिए, और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए जब बात इस तरह की है। सवाल शिकायत अपनत्व के रिश्ते में होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, अधिकार के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपका अधिकार नहीं रहा, क्योंकि आपका साथी आपसे अलग होना चाह रहा है। आप उसका रास्ता आसान कर दीजिए, कुछ मत कहिए, खामोशी में चुपचाप उसकी महफिल को छोड़कर चले जाइए और दिल से अपनी शुभकामनाएं देते जाइए। इस बात का भी शुक्रिया मन ही मन अदा कर दीजिए कि उनके साथ जितना भी सफर आपको मिला वो सफर अच्छा था, और अच्छे सफर के लिए अपने दोस्त को शुक्रिया कहना जरूर बनता है, कह दीजिए। लेकिन आपको ये बताना है कि मैंने ये जो निर्णय दिया वो सही था या गलत, कमेंट बॉक्स पर आकर के ज़रूर बताइएगा। उसकी जगह अगर आप होते आप क्या करते? आभार, नमस्कार।